नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बताएंगे कि कार्य क्षेत्र में किन राशि के जातकों को विशेष सावधान रहना चाहिए, जिससे आप अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकें, परेशानियों से बच सकें। अक्सर देखने में आया है कि इन पांच राशि के जातक अक्सर कार्यस्थल पर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य क्षेत्र में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कई बार कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है व्यक्ति को, और आज हम उन्हीं पांच राशियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें कार्यस्थल में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको कहेंगे कि यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसके कारण जातक अपनी बहुत जल्दी नौकरी खो देते हैं। आज के समय में हर जगह तीव्र प्रतिस्पर्धा हो गई है, खासतौर पर निजी कार्यालयों में। अगर आप अपनी योग्यता साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी भी समय ऐसे में काम से निकाला जा सकता है। कई बार यह अपनी खुद की गलती के कारण भी होता है, तो कई बार किसी और अन्य कारणों से भी होता है, और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण भी ऐसा होता है, यानी कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज हम आपको उन्हीं पांच राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ग्रहों की स्थिति के कारण इन राशि के जातक बहुत जल्दी अपनी नौकरी खो देते हैं, और वो कौन सी राशि है? तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के जो जातक होते हैं वो अपने शब्दों और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, इसलिए उनकी यह आदत दूसरों को पसंद नहीं होती है और नापसंदगी का कारण बन जाती है। ऑफिस में सबके साथ तालमेल भी ऐसे में ये नहीं बिठा पाते हैं। मेष राशि वालों को नौकरी जाने का ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। मेष राशि के लोग जो सोचते हैं उसे सबके सामने कहने में भी नहीं डरते हैं, और वे इस बारे में परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार यही कारण है कि कई लोगों के मन में मेष राशि के जातकों के लिए एक नकारात्मक विचारधारा बन जाती है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए अपने वर्क प्लेस में। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक अत्यधिक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ सही है तो वो उसे करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। वृषभ राशि के तहत पैदा हुए लोग, जन्मे लोग अपने निर्णय पर हमेशा अड़े रहते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि उन्हें इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्हें किसी और की बात सुनना पसंद नहीं होता है। ये कई बार ऑफिस में बॉस की भी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि वृषभ राशि के जातक बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए अगर उनकी नौकरी चली भी जाती है तो उन्हें दूसरी नौकरी खोजने में, तलाशने में, दूसरी नौकरी पाने में कोई अधिक समस्या नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको अपने कार्यस्थल पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में कम सफल होते हैं। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस पर वे ध्यान भी नहीं देते हैं। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं कुछ भी सोचते हैं उसे स्पष्ट तौर पर कह देते हैं। कई बार वे खुद नहीं समझ पाते हैं कि किसी को उनकी बातों का बुरा लग रहा है, इसलिए मिथुन राशि के जातक ऑफिस में किसी भी मुसीबत में कभी भी पड़ जाते हैं। आपको इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अपने स्वभाव में आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं और हर समय वो चर्चा के केंद्र में भी रहना चाहते हैं, इसलिए सिंह राशि के लोग अक्सर शत्रुओं से घिरे रहते हैं। इस राशि के लोग सभी विषयों में महारत हासिल करने के स्वभाव से ऑफिस में कई बार लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। इनका ऐसा स्वभाव होता है कि ये सबसे आगे रहें। वे किसी भी प्रोजेक्ट में अच्छा नेतृत्व तो करते ही हैं, लेकिन टीम प्लेयर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा, आप स्मार्ट हैं अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस में आपको काम खराब नहीं करना चाहिए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जो जातक होते हैं किसी भी कार्य में अधिक समय तक टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके राशि के स्वामी गुरु होते हैं। उन्हें कोई भी काम ज्यादा देर तक करना पसंद नहीं होता है। यदि वे एक कार्य को अधिक समय तक करते हैं
तो उस कार्य में उनकी जो रुचि होती है वो समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वे अक्सर अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और कभी कभी अधिकारी भी उनकी असावधानी के लिए उन्हें कार्य से निकाल देते हैं। तो ऐसे में मीन राशि के जातकों को भी थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिससे आप अपनी नौकरी बचा सकें और अपने कार्यस्थल में एक अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान हासिल कर सकें। तो दर्शकों, ये हैं कुछ खास राशियां जो कि हमेशा कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानियों में घिरी रहती हैं और आपको इससे विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम।